ये O2O की तरफ से मल्टी यूज मेकअप पैलेट है और ये क्रीम फॉर्मेट में है। ये मैंने ऑर्डर प्लेस किया था तकरीबन उस वक्त कुछ महीने पहले की बात है। इनमें से एक मैंने यूज़ की थी और एक ये वाली मैं पहले यूज़ करके देख चुकी हूँ, दूसरी वाली बांधी थी क्योंकि इस वक्त तकरीबन अप्रैल का एंड होने वाला था और मौसम बदलना शुरू हो गया हुआ था, और चूंकि ये क्रीम प्रोडक्ट है तो वो गर्मियों में और बरसात में तो बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है, सर्दियों के अंदर यूज़ हो सकता है। एनीवेज आगे बढ़ते हैं, इसको जो है वो देखते हैं कि क्या जो है वो इसके अंदर मौजूद है। सो ये सपोजिटली जी हमारे पास मल्टी यूज़ मेकअप पैलेट है, यानी कि जो बेसिक सारी मेकअप की रिक्वायरमेंट्स है ना वो इसके अंदर से पूरी हो जानी चाहिए। दो शेड मेरे पास मौजूद हैं, शेड नंबर 1 है डॉन के नाम से और शेड नंबर 2 है डस्क के नाम से। तो जैसा कि हम इसके नाम से थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो शेड 01 है वो थोड़ा सा लाइटर टोन्स होंगी, लाइट शेड्स होंगे, और उसके कंपैरिजन में जो शेड नंबर 02 है वो थोड़ा सा निस्बतन डार्कर टोन्स जो हैं वो होंगी। इसको खोल के देखते हैं। सो ये मैं पहले इस वक्त जो है वो शेड नंबर 01 डॉन जो है वो खोलने लगी हूँ। इसके अंदर आप देख सकते हैं, अगर कितने रोक के देखना हो कि ये जो है वो उसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं और उसके इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट यहाँ पे दी हुई है। इसके अंदर जो चीज़ें आपको मिलेंगी, एक तो इसके अंदर ब्लश पड़ा हुआ है, इसके अलावा कंसीलर है और इसके अलावा भी कुछ होना चाहिए। बहरहाल जी इसके ऊपर जो है वो उन्होंने यही लिखा हुआ है, मुझे याद एग्जैक्टली नहीं आ रहा। इसमें मेरे पे 2-3 पैन थे, इकट्ठे खोल के देख लेना बेहतर है। इस पर यहाँ पर जो इंग्रेडिएंट्स हैं उन्होंने ब्लश और कंसीलर के दिए हुए हैं। एनीवेज उसके अंदर जो है ना शायद एक से ज़्यादा चीज़ें थी। ठीक है जी, हाँ जी हाँ जी, ये हमारे पास जो है ना ब्लश और कंसीलर ही आता है। तो आप ये देख सकते हैं कि इसके ऊपर जो क्लियर लिड है और मिरर वगैरह इसके साथ कोई भी नहीं है। अच्छा, ये हमारे पास जो है ना वो शेड नंबर 01 है। अब ये जो 4 पैन है ना, ये सारे के सारे जो है वो कंसीलर हैं, और ये जो 2 हैं ये हमारे पास जो हैं वो ब्लश हैं। अब आप इस ब्लश को जो है वो आई शेडो के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश करें, चूँकि ये क्रीम फॉर्मेट में है तो आप इसको लिपस्टिक के तौर पर भी लगा सकते हैं वगैरह वगैरह किस्म की, अगर आपने चीज़ें करने की कोशिश करनी हो। अच्छा, चूँकि ये सारे जो है वो लाइट शेड्स हैं तो ये हमारे पास जो है वो काफ़ी यानी कि फेयर रंगत के लिए जो है वो सूटेबल होगा, क्योंकि आप ये देख सकते हैं कि जो कंसीलर के शेड भी हैं वो भी काफ़ी लाइट और ज़रा फीके फीके से हैं। इनमें से एक ये जो वाला तीसरे नंबर पे पैन है ये हमारे पास थोड़ा सा हल्का सा पीची कलर में है, जो कि कलर करेक्शन के लिए इस्तेमाल हो सकता है। बाकी आप देख सकते हैं कि ये पैन जो है ना वो इस्तेमाल हुआ हुआ है, क्योंकि इसको जो है वो मैंने ब्लश के तौर पर यूज़ किया था। ये बहुत लाइट कलर है। एक तो चलो स्वॉचेस भी देख लेते हैं। ये हमारे पास जो है पहला ब्लश है और ये इसमें ना थोड़ा सा शाइन और शिमर सा है ऐसे, तो वो जो नार्स का ऑर्गेज्म ब्लश आता है ना तकरीबन उस किस्म का है, क्योंकि इसके अंदर ना पिंक पीच और गोल्ड ह्यूज छोटे छोटे से ना उसका वो आता है शेड। और ये जो है वो इसमें आप ये देख सकते हैं कितना ये ऑयली, और ये जिस तरह से उनके वो एक और भी इनकी प्रोडक्ट थी ना वो बहुत ही ऐसे बामी बामी सी, जो इनके चीक टिंट्स वगैरह भी एक आए थे, तो ये ना बड़ी वैजलीनी किस्म की जो है ना इसकी कंसिस्टेंसी है। ये थोड़ा सा ये नार्स के ऑर्गेज्म की तरह से जो है वो पिंक पीच और थोड़ा सा इसमें गोल्ड का टच है, और ये वाला जो है ना ये काफ़ी कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा ऑरेंजी टोन की तरफ जो है ना वो जाना शुरू हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा पीची ब्राउन सा टोन जो है ना वो आ जाता है। ये दोनों का मसला, इसका मसला ये है कि ये एक्सट्रीमली ग्रीसी हैं। ये जब आप उसको मुंह पे अप्लाई करते हैं तो इसको ऐसे लगता है कि जैसे ना मुंह के ऊपर वैसलीन मल ली है, और उसकी वजह से जो है ना ये बहुत पुअर इसका जो है ना वो सेटिंग है, क्योंकि ये अगर आप ये इसे कंसीलर भी देखें तो ये भी बहुत ही पेल कलर में है। इनमें से ये जो तीसरे ये वाला जो सैल्मन कलर का था ये वाला, ये मैंने यूज़ किया था, लेकिन ये कि ये ओवरऑल प्रोडक्ट जो है वो बहुत रनी रहता है, बहुत ऑयली लगता है चेहरे के ऊपर, और काफ़ी अनप्लेजेंट किस्म की ना उसकी फीलिंग आ रही होती है। तो ये हमारे पास ये 4 कंसीलर के शेड हैं। ये बिल्कुल फिक्का वाइट है और ये थोड़ा सा जो है ना वो थोड़ा सा क्रीमी टच में आ जाता है, ये थोड़ा सा पीची टच में आ जाता है, और ये निस्बतन डार्कर टोन है, जो शायद अगर मेरे मुंह के हिसाब से हो तो मैं ये यूज़ करूँगी कंसीलर, क्योंकि ये निस्बतन मेरे चेहरे के साथ जाएगा स्किन टोन के साथ। ये बहुत ही बामी और ग्रीसी किस्म के 2 ब्लश हैं।
और मेरे ख्याल में ये शायद 1,000 रुपये के करीब का ये था, एक पैलेट थी। सो अनलेस कि आप किसी बर्फानी इलाके में रहते हों और आपको बहुत ही कोई ठंड का सामना हो जिसमें आपको अपना मेकअप भी इस हद तक ग्रीसी चाहिए हो कि वो आपकी स्किन को कॉन्टीन्यूसली मॉइस्चराइज करता रहे, तो उस केस में ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप अंटार्कटिका या कोई कनाडा टाइप के किसी, मतलब उसके भी कोई बर्फानी इलाके में रहते हैं, अदरवाइज हमारे यहाँ के मौसम में आई डोंट नो कि ये कौन से मौसम के अंदर और कौन से महीने के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि ये बहुत ही ग्रीसी, बहुत ही बाम टाइप ऐसा लगता है जैसे मुंह के ऊपर वैसलीन मली हुई हो। एनीवेज जी, हम अब ख़रीद चुकी हूँ मैं, ये दूसरी पैलेट है जो शेड नंबर 2 है, इसके बारे में भी लगे हाथों बात कर लेते हैं। आपको फिर वही चीज़ मिलेगी कि इसके अंदर कंसीलर है और इसके अंदर 2 ब्लश हैं। अगेन कंसिस्टेंसी उसी किस्म की है, वेरी बामी, वेरी एक्सट्रीमली अब आप अगर देखें तो ये काफ़ी देर पहले लग चुका हुआ है लेकिन ये अभी भी मूव कर रहा है। कुछ तो हमारे पास ऐसे होते हैं ना प्रोडक्ट्स जो कि क्रीम टू पाउडर होते हैं, यानी कि वो क्रीम फॉर्मेट में आते हैं लेकिन जब आप उनको अपने चेहरे के ऊपर, स्किन के ऊपर लगाते हैं ना, दे टर्न टू पाउडर। लेकिन ये वो वाली चीज़ नहीं है, ये क्रीम ही रहेगा और ये इसी तरह से हिलता जुलता रहेगा। तो उस लिहाज से आई डोंट नो कि ये कौन इनके फार्मूला बना रहा है और डिवाइस कर रहा है O2O के इस किस्म की चीज़ों के, बट नॉट फॉर आर वेदर, नॉट फॉर आर सीजन्स। तो ये जो हमारे पास जो है ना वो थोड़े से डार्कर टोन में चले जाते हैं जी, ये थोड़ा सा पीची आ जाता है और ये कुछ ज़्यादा ऑटम ब्राउन सा जो है ना वो कलर आ जाता है। ये देखिए, अब ये जो है ना वो ना सिर्फ मूव करता है बल्कि कॉन्टीन्यूसली मूव करता ही रहता है, तो इस लिहाज से बिल्कुल समझ से बाहर है। और बाकी इसके जो कंसीलर के शेड्स हैं वो भी देख लेते हैं, इसकी मैं नीचे लगा लेती हूँ। कंसीलर के शेड भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। हाँ जी, इसमें कोई हमें सैल्मन शेड इसमें नहीं मिला। सो ये सारे जो हैं कंसीलर के ही शेड हैं विदाउट मच पीची ऑप्शन, और इसमें ये वाला जो है ना, ये आखिरी वाला जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा ब्राउन ब्राउन टोन में है। तो अगर आप इसको एज ब्रॉन्जर यूज़ करना चाहते हैं मुंह के ऊपर एक क्रीम, एक्सट्रीमली क्रीमी ब्रॉन्जर के तौर पर, तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ये हमारे पास आ गया जी, ये 2 ब्लश के शेड हैं और ये 4 इसके अंदर कंसीलर के शेड हैं। एक्सट्रीमली बैड शॉपिंग एक्सपीरियंस फॉर दीज, क्योंकि पैसे ज़ाया किए मैंने।